में भी एक बेहतरीन क्वालिटी आप नजर आ सकता है। इसलिए हर लोगों की अच्छी क्वालिटी को अपना के बुरी चीजों को आपको त्याग करना बहुत जरूरी है बड़ी सक्सेस के लिए। दोस्तों मैंने अभी तक आपको बताया रिस्पॉन्सिबिलिटी और एटीट्यूड के बारे में, अभी मैं तीसरा बता दूंगा सी दैट इज कमिटमेंट। कमिटमेंट ये वर्ड अपने आप बताता है, कम इट फ्रॉम माइंड, यानी अपना मन से जो अंदर से जो कमिटमेंट आता है ना वही कमिटमेंट आपको सक्सेसफुल बना देगा। और कमिटमेंट को बताता है इट इज द पावर व्हाट ट्रांसफॉर्म प्रॉमिस इनटू रियलिटी, यानी एक आदमी की जो वचन है उसको वाकई रियलिटी में एक्चुअल में कन्वर्ट करता है उस आदमी की कमिटमेंट। माई लाइफ स्टाइल बिजनेस के प्रति, आपकी करियर के प्रति जो कमिटमेंट आप दिखाएगा वही कमिटमेंट आपको आगे ले जाते हैं दोस्तों। इसलिए आपको कमिटमेंट होना बहुत जरूरी है। और समझ लीजिए कमिटमेंट वाकई क्या है। कमिटमेंट में तीन कदम है, तीन स्टेप्स है, तीन कसौटियां हैं, तीन सीढ़ियां हैं। वो क्या है? पहला, लर्न हाउ टू बी सक्सेसफुल। सक्सेसफुल कैसे बनना है सीखिए पहले, इसलिए ट्रेनिंग का महत्व है। सीखने से पहले कोशिश गलत हो सकता है, इसलिए पहले सीखिए। देन वर्क फॉर योर सक्सेस, मेहनत कीजिए। देन वर्क अंटिल योर सक्सेस, आपकी सक्सेस तक आपको मेहनत करना होगा। दोस्तों आप एक बार सोचिए, जब सक्सेस की रास्ते में आप मेहनत करोगे, ऐसा नहीं है कि आपके सामने बाधाएं नहीं आएंगे, रुकावट नहीं होगा, ऑब्स्टेकल्स नहीं होगा, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, चैलेंजेस नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। जब आगे बढ़ने के लिए इंसान कोशिश करता है उनको चैलेंजेस को ओवरकम करना बहुत जरूरी होता है। जब एक बोट पानी में जाता है वो आगे बढ़ने के लिए पानी की जो बहाव है या जो वेव्स है, जो पानी है, वो उसके लिए प्रॉब्लम है। लेकिन एक बार सोचिए, बिना पानी इसके मोटर कभी बोट कभी नहीं जा सकता ना। एक पंछी जब आसमान में उड़ता है, सोचिए उस पंछी आगे बढ़ने से रोकता है एयर, पावर ऑफ एयर, हवा। लेकिन एयर नहीं तो पंछी कभी उड़ नहीं सकता ना। सोचिए हम जब रोड में जाता है, रोड के जो फ्रिक्शन होते हैं ना, वो फ्रिक्शन के कारण हमारा स्पीड कम होता है। लेकिन रोड फ्रिक्शन के बिना रोड बनता ही नहीं है, उस रोड के बिना आगे जा भी नहीं सकते। इसलिए हम जब आगे जाते हो ना तो हमें प्रॉब्लम्स को, तकलीफ को फेस करना होता है। इसको फेस करने की ताकत आपको अपनाना पड़ेगा। इसलिए बताता है वर्क अंटिल यूर सक्सेस और वर्क टिल यूर सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रगल पीरियड जरूर आएगा, इन्फेंट स्टेज पे स्ट्रगल आता ही आता है। एक छोटा बच्चा एक महीना का है, वो सोचे एक किलोमीटर की सफर करके आ जाए, सैर करके आ जाए, नहीं कर सकता है क्या? अरे एक महीने का बच्चा है, वो चलना सीखा ही नहीं, कैसे चलेंगे? वैसे ही आप बिजनेस में जब आए हो ना तो एक महीने का बच्चा कम से कम चलने के लिए एक साल लगता है ना, वैसे आपको भी खुद समझने के लिए एक साल लगता है ये बिजनेस के बारे में। लेकिन लोगों के पास वो पेशेंस ही नहीं है दोस्तों। डिसअपॉइंटमेंट कब नहीं होना चाहिए, डीमोटिवेशन कभी नहीं होना चाहिए। फेलियर तो आएगा ही आएगा। उस फेलियर को ओवरकम करने की एक निर्णय, यानी नेवर गिव अप, छोड़ना नहीं है, ऐसे हम बताते हैं मजाक में ना हिंदी में, छेड़ दिया तो छोड़ना नहीं है, छोड़ना था तो छेड़ना नहीं था दोस्तों। माई लाइफ स्टाइल में आ गया तो सक्सेसफुल बनना है। अगर एक बार पानी में घुस गया, पैर डाल दिया तो पूरा भीग भीग के आना चाहता है सिर तक, मतलब सक्सेसफुल बन के ही आपको जाना चाहिए। एक बार सोचिए दोस्तों, जन्म लिया मैं सक्सेसफुल बनने के लिए, हारने के लिए नहीं, लेकिन हार से ही सक्सेस शुरू होता है। असीम प्रेम जी जैसा लोगों ने बता दिया, इस दुनिया में हार जैसा कोई जीत नहीं है और जीत जैसा कोई हार नहीं है। चैलेंजेस आते हैं, मुश्किलें आते हैं, तभी हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की नॉलेज लेते हैं। लोग अक्सर बताया करता है, पहाड़ों से टकरा कर कौन कहां गिरता है, छोटी छोटी पत्थरों से टकरा कर लोग अक्सर गिर जाते हैं, है ना। बड़ी बड़ी पहाड़ों से टकरा कर कोई गिरा ही नीचे नहीं, नहीं, छोटी छोटी पत्थर जो रास्ते में मिलते हैं ना उससे टकरा कर लोग गिर जाते हैं, सही है कि नहीं?
इसलिए बोलता है पहाड़ों से टकराकर कौन कहां गिरता है, छोटी छोटी पत्थरों से टकराकर लोग अक्सर गिर जाता है, बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना हर कोई कर लेते हैं, छोटी छोटी मुश्किलों के सामने हार मान लेते हैं। क्या बड़ी बात है, एक बार समझ लीजिए, जब ये बिजनेस में आके छोटी छोटी मुश्किल जब आपके सामने होगा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ सोचा, किसी ने गलत बिहेव किया, ये आपकी एटीट्यूड में इंप्रेस नहीं होना चाहिए, इन्फ्लुएंस नहीं डालना चाहिए दोस्तों। इसलिए आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। मैंने आपको बता दिया था मेरा डायरेक्ट सेलिंग की जो करियर, जब मैं स्टूडेंट था तभी स्टार्ट किया था, सन 2000 में मैंने आया था मेरी जरूरतें पूरा करने के लिए। लेकिन दोस्तों मैं बताऊं, मेरी करियर की 2.5 साल उसका टोटल अचीवमेंट -2.5 लाख, यानी 2.5 लाख रुपए का लायबिलिटी मेरा आ गया। सक्सेस के लिए काम किया लेकिन सक्सेस पीछे चला गया। अगर उस पीरियड में अगर मैंने छोड़ दिया ये बिजनेस को, शायद आज का अचीवमेंट मुझे मिलना ही नहीं था कभी, राइट और नॉट। इसी तरीके में हर आदमी के सामने स्ट्रगल्स तो आएगा ही। जिस दिन सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलना शुरू किया, क्या उसी दिन इंडियन टीम में लिया था उनको? जब अमिताभ बच्चन ने फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सोचा था, क्या उनको फिल्म इंडस्ट्री स्वीकार किए थे? उन्होंने आकाशवाणी का पहला इंटरव्यू के लिए गया था, उनका स्वर सुन के अमिताभ बच्चन से बोला, लोग ये तो पत्थरों के ऊपर कुछ पत्थर लगाने से जो आवाज आता है एकदम अरोचक, ऐसे तो आवाज है तुम्हारा, तुम्हें कभी मौका ही नहीं है। दोस्तों आज इंडिया के सबसे सफल शब्द उनका है। इसी तरीके से आप देखिए दुनिया में बड़े बड़े लोग जब कोई काम शुरू करता है पूरा दुनिया उनको रिजेक्ट किया है। तो यू हैव टू डेवलप ए हैबिट ऑफ रिजेक्टिंग द रिजेक्शंस। आपको अपने रिजेक्शंस जो आते हैं ना उसको रिजेक्ट करने की आदत होना चाहिए। अपने आप में विश्वास करो, ईश्वर ने मुझे खास बनाया है, मेरे अंदर वो खास क्वालिटीज हैं और मैं वो खास सक्सेस अपने लिए लेके ही रहूंगा, इसलिए मुझे सबर के साथ जाना चाहिए। इसलिए लोग बोलता है सबर का फल मीठा होता है। कुरान के अंदर यह बताता है इन्नल्लाहु मा नहीं है, लेकिन सक्सेसफुल होना जरूर चाहते हैं, उससे कोई फायदा नहीं है दोस्तों। इसलिए ईगो विल नेवर एवर प्ले विथ एनीबॉडीज ईगो, ऑलवेज रेस्पेक्ट पीपल, कंसिडर पीपल, अंडरस्टैंड पीपल एंड टेक ए गुड एटीट्यूड टुवर्ड्स पीपल। इंसान ईश्वर का सृष्टि है, सब लोग एक जैसा ही है, ऊपर नीचा छोटा बड़ा कुछ नहीं है, सब लोगों से अच्छी बिहेव करें। Never let success to get your head, यानी success कभी आपकी दिमाग के अंदर घुस के अहंकार बढ़ाना नहीं चाहिए। महाभारत के अंदर देखिए कंस के साथ क्या हुआ, रामायण के अंदर देखिए रावण के साथ क्या हुआ, जिस समय उनकी अहंकार बस गए थे ना अपने दिमाग में, उधर से वो खत्म हो गया, राइट और नॉट। एंड नेवर लेट फेलियर टू गेट इन टू योर हार्ट, आपके दिल में कभी आपका निराश नहीं घुसना चाहिए, आपकी फेलियर नहीं घुसना चाहिए। हमेशा आप बी पॉजिटिव एंड सी पॉजिटिव, उच्च एटीट्यूड में रहे आप। विनिंग एटीट्यूड अपना बहुत जरूरी है। विनिंग एटीट्यूड यानी क्या है ये बिजनेस के लिए? एक आदमी की जो कस्टमर की सोच ही एटीट्यूड है उसको बदलना है एक बिजनेसमैन की एटीट्यूड में। कस्टमर कोई काम करता है तो उनको रिजल्ट तुरंत चाहिए। बिजनेसमैन आज काम करेगा, 2-3 साल के बाद रिजल्ट की उम्मीद करता है, एक ऐसा एटीट्यूड। नेगेटिव एटीट्यूड रखना ही नहीं है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, चाहे कुछ भी हो जाए। चीजों को पॉजिटिवली देखने की तरीका नजरिया बढ़ा दीजिए। छोटा सोच कभी नहीं रखना चाहिए, वो आपको छोटा करता है। बड़ा सोच और बड़ा विश्वास रखने से जिंदगी अच्छा होता है, इसको हम लोग विनिंग एटीट्यूड बता सकता है। एक विनिंग एटीट्यूड आपको अपनाना बहुत जरूरी है। एंड की फैक्टर्स विच विल अफेक्ट यूर एटीट्यूड एंड विच विल अफेक्ट फॉर यूर बिग सक्सेस, क्या है ये चीजें? बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका इंटेंशन क्या है, ये बहुत मायने रखता है दोस्तों। आप बिजनेस कैसे करते हो ये नहीं, आप बिजनेस क्यों करते हो, किस इंटेंशन से करते हो, किस मकसद से करते हो, किस उद्देश्य से करते हो, यह मायने रखता है। यह बहुत बड़ी चीज है। आपका इंटेंशन नेक होना चाहिए। अरबी के अंदर हम बोलते हैं इन्नवल अमालु बिन्नियत, इसका मतलब जो कर्म आप करते हो उससे ज्यादा उस कर्म करने की नीयत जो हो वो खास, वो नीयत नेक होनी चाहिए। अगर अच्छे नीयत के साथ अच्छे मकसद के साथ हम काम करेगा, ईश्वर हमें सशक्त करेगा, ईश्वर हमें परिस्थिति प्रतिकूल से अनुकूल बना के देंगे।
इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और उसी के साथ साथ हम बताएंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर कैरेक्टर, आपकी क्वालिटीज। एक अच्छा इंसान बनना है, इंसान वो है जिनको इंसानियत होती है, लोगों को पहचानना है, लोगों की सुख दर्द को समझने की ताकत रखना है, लोगों के साथ अच्छे तरीके से बात करें, लोगों के साथ गुस्सा मत करें, लोगों के साथ पोलाइटली एम्पावर करें, नेगेटिव बातें ना करें, पॉजिटिव बातें करें, कैरेक्टर सबसे बेहतर रखें। कोई गंदा कैरेक्टर अपने पास है तो उसको खत्म करें। सिगरेट पीते हैं, तंबाकू का सेवन करता है या पान का सेवन करता है, शराब यूज करता है लोग इसको, और लोगों से बुरी व्यवहार करता है, इसको हम लोग गलत कैरेक्टर में बोला जाता है। इन चीजों से मुक्त बनाइए अपने आप को। महात्मा गांधी जी ने जैसे बताया, जो बदलाव में समाज में चाहते हैं वो बदलाव आप खुद बन जाइए, वैसे ही जो जिस चीज को आपको अच्छा लगता है वो अच्छापन अपने आप में समावेश करने का आप कोशिश कीजिए, उधर से आपका सक्सेस होगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, योर बिहेवियर, जैसे मैंने बता दिया था, जैसे आप लोगों से डील करते, बी ए गुड टीम प्लेयर, एक अच्छा बिहेवियर आप अपने लिए अपनाएं, उधर की आपको लाइफ में आपको बहुत बड़ा सक्सेस मिलेगा। बहुत खास बातें मैं इसी को लेकर के, जो आपकी एटीट्यूड के अंदर लेकर के बताऊंगा, टीम सेवन सिस्टर यानी आपका टीम, एक ऐसा टीम स्पिरिट आपको रखना जरूरी है। टीम इज जस्ट लाइक ए फैमिली, एक अपनापन वाला फीलिंग, एक अपना रेस्पेक्ट, केयर, कंसिडरेशन आपको टीम के प्रति होना चाहिए। एंड यू आर सक्सेसफुल एंड कमिटेड अप्लाइंस आर लाइक यूर पेरेंट्स, जो भी आपकी सक्सेसफुल अप्लाइंस है वो आपके लिए पेरेंट्स के जैसा है, उनको फॉलो कीजिए, उनको रेस्पेक्ट कीजिए बिना कोई कंडीशन। बहुत ज्यादा लोग सोचता है मेरे अप्लाइन ना बराबर सपोर्ट नहीं करे इसलिए मेरा सक्सेस नहीं हुआ। अरे अपलाइन की वजह से नहीं, आपके सक्सेस आपके वजह से होना चाहिए। उनका जिम्मेदारी था जैसे पेरेंट्स का जिम्मेदारी है, इस दुनिया में आपको जन्म देना पेरेंट्स का जिम्मेदारी है, आपको सक्सेसफुल बनाना पेरेंट्स का जिम्मेदारी नहीं है। वैसे ही आपको बिजनेस में लाना आपका अपलाइन का जिम्मेदारी था, वो तो उन्होंने बाखूबी निकाल दिया, लेकिन इस बिजनेस में सक्सेसफुल बनाने की काम आपको करना चाहिए, इस बात को समझ लीजिए। क्रॉस लाइन कम्युनिकेशन एंड रिलेशन इज नॉट गुड फॉर योर बिजनेस। आपकी क्रॉस लाइन जो अपलाइन की दूसरी दूसरी टीम या किसी और के टीम, उन लोगों के साथ कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन रिलेशन बनाना जरूरत नहीं है, जिसमें आपका कंफ्यूजन बढ़ेगा। आपका तरीका अलग है, उनका तरीका अलग है, अलग अलग तरीका सुन के आप कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए क्रॉस कम्युनिकेशन मत कीजिए। लोग फेसबुक में और ऐसे व्हाट्सएप में अलग अलग लोगों से कम्युनिकेट करता है, सक्सेसफुल बनने की टिप्स मानता है, कोई फायदा नहीं दोस्तों। ऑलवेज समझ लीजिए, आपकी अप्लाइंस आपकी सक्सेस चाहेंगे, क्योंकि आपकी सक्सेस से उनको सक्सेस मिलता है। दूसरा कभी आप सक्सेसफुल हो या फेलियर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए शायद वो आपके लिए अच्छा ना सोचे या बुरा सोचे, इसलिए आपको अपने अप्लाइन के साथ कम्युनिकेशन बनाए रखना बहुत जरूरी है। ईगो रखना ही नहीं है। अंडरस्टैंड हु इज योर वेल विशेस, अप्लाइन एंड टीम एडिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। आपको अपनी अप्लाइन का एडिफाई करना होगा और आप अपना टीम लीडर्स का एडिफाई करना होगा। आपका एडिफिकेशन आपका टीम लीडर करेंगे, आपके अप्लाइन करेगा या आपका टीम करेगा। लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप और आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाए रखे। लोगों की अच्छी क्वालिटीज को अपनाइए, बुरी क्वालिटियों को नजरअंदाज कीजिए। आपने जो सिखाया था, आपने जो करने के लिए हम लोगों को बोला था, हम लोग ये जरूर किया हो, इसीलिए हम लोगों का सक्सेस मिला। और मेरा ये विश्वास है, आज 2 घंटा का ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपने जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर्स को करने के लिए बोला है, आप जो ट्रेनिंग दिया है जरूर हमारा डिस्ट्रीब्यूटर फॉलो करेगा, ये मैं आपको विश्वास देता हूँ। आज आपको हम लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है, जस्ट शुभकामना है, जस्ट नॉर्थ ईस्ट के तरफ से आप प्यार लीजिए, आपका मदद चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, और आपका मदद और आपका आशीर्वाद लेकर हम लोग ये कमिटमेंट आपको देता हूँ, आने वाला दिन में ये नॉर्थ ईस्ट में टीम सेवन सिस्टर में हम हजारों, हम 100 करोड़पति डायमंड हम लोग जरूर सृष्टि करेंगे, और इंडिया का नंबर 1 पोजिशन में जाने के लिए जरूर हम लोग कोशिश करेंगे, और एक दिन इंडिया में हम लोग जरूर नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट पोजीशन में आएंगे। लेकिन
फिर भी बोलता हूं आपका मदद, आपका आशीर्वाद हम लोग 100% उत्तम जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर, मिलेंगे। मैं आपनालोग हकलो के अनुरोध जनाइसो मुबिन सरक सम्मान जनाए आपनालोग जो जने के आसे हकलवे सियोर बाखर करम प्रखांतक अनुरोध जनाइसो तो अनम्यूट कर दियो। यस सर, यस सर, yes sir, yes sir, thank you sir, thank you, 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 তো আজি লৈ আমাৰ যি ৰেচ এটা হাই প্ৰফাইল ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেম আছিল আমাৰ কাৰণে, আমি ইমানতে শেষ বুলি ঘোষণা কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকক মই এটা কথাই ক'ব বিচাৰোঁ, মুবিন ছাৰৰ যি ট্ৰেইনিং, মুবিন ছাৰে যিখিনি কাম আমাক কৰিবলৈ কৈছিল, আমি সেই কামবিলাক কৰি কৰিয়ে আজি ডেফিনেটলি আমি এই পজিশ্যনত খাৰা আছোঁ। আৰু মই আপোনালোকক এইটোও কৈছোঁ, মুবিন ছাৰ কেৱল নিজে ৰয়েল ডায়মণ্ড